महेश चंद द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं आज से तकरीबन 21 साल पहले। एक लखनऊ के SSP भी रहे हैं, बहुत लंबा समय और बहुत कुशल नेतृत्व किया है उन्होंने पुलिस बल का। लेकिन इस समय पुलिस बल पर बहुत गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं महेश चंद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, क्या बताएंगे कि इस समय जो पुलिस पर ज़बरदस्त आरोप लग रहे हैं फेक एनकाउंटर को लेकर, कि ये आपको किस तरीके दिखते हैं? देखिए, पुलिस की ड्यूटी है कि वो मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करके बदमाशों को पकड़े और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे जी। लेकिन अगर आत्मरक्षा की स्थिति आ जाती है जी, आत्मरक्षा में अपना प्राण बचाने हो उनको पुलिस को, या किसी दूसरे के प्राण बचाने के लिए भी उनको अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति जिससे कि रक्षा का खतरा, जान का खतरा पैदा हो रहा है, उसको बाहर तक सकता है, तो इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं समझता हूँ कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अब वो पूरा नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस विषय में मेरा कुछ कहना कठिन होगा, मैं क्योंकि मुझे उनका ज्ञान नहीं है कि कितना हो रहा है। लेकिन चाहिए पुलिस को यही कि जहाँ तक संभव हो वो नियमों के अनुसार ही करें। नहीं, मिनिमम तो ये घटना तोड़ दीजिए तो भी हो गया, मिनिमम बल प्रयोग हो गया तो घुटना तोड़ना आपका काम तो है नहीं। मिनिमम बल प्रयोग नहीं, अगर मान लीजिए व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है जी, और भाग रहा है जी, तो पकड़ने में बिना किसी मारे पीछे पकड़ने में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो घुटना उठा तो भाग रहा है, आपने मारा डंडा घुटने में टूट गया तो वो पकड़ में आसानी से आ जाता है। नहीं, घुटना पर डंडा मारना और सीधे गोली मार देना, ये दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है फर्क। गोली जो है वो मारी जा सकती है यदि हत्या का अपराधी है तो, यह है कि अगर उसको गोली मारी जा सकती है। दूसरों को अगर बहुत अच्छा निशाना है तो, और आप किसी भी तरह नहीं पकड़ सकते, अभिरक्षा से भाग रहा है तो आप बहुत अच्छे निशाने से मार सकते हैं जिससे कि वो रुक सके। अगर आप दौड़ के पकड़ सकते हैं तो उससे तो अच्छा कुछ है नहीं। देखिए जी, कई पुलिस अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई पिछले 2-4 साल के दौरान, वो प्रशिक्षण के जुड़े हुए थे और उनका मानना था कि 4x4 फीट का जो दफ्ती का होता है घेरा, उस पर गोली मारने की निशाना करने का ट्रेनिंग उनको दी जाती है, लेकिन उसमें 95% से ज़्यादा पुलिस वाले सही निशाने पर नहीं कर पाते हैं 4x4 फीट के। आपका क्या मानना है? क्योंकि ये सही है कि सामान्य पुलिस जन का निशाना इतना अच्छा नहीं होता, उसको ट्रेनिंग रिपीटेड मिल भी नहीं पाती है, जो प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग है कि साल में एक बार मिलने चाहिए हर पुलिस जन को, वो उनको मिल नहीं पाती है क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं अधिकारी, इतने व्यस्त रहते हैं क्योंकि जब भी फायरिंग की ट्रेनिंग होती है तो उसमें एक गजेटेड अफसर की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है, जिससे कि किसी चीज़ में गड़बड़ी ना हो हथियारों में या उसमें एम्युनिशन में। तो ये सही है कि सबकी नहीं हो पाती, लेकिन जो ट्रेन है, वेल ट्रेन है, जैसे STF एक्सेट्रा के, वो मार सकते हैं सही। STF का काम भी बड़ा अजीबोगरीब रहा, जिस तरह सुल्तानपुर में घटना हुई है, इसके बाद कई बार तो जौनपुर के कई मामले में हुए थे जिसमें बाकायदा जितना पैसे की बरामदगी हुई उसको छुपा लिया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये क्या है? अगर किसी ने किया है तो वो तो अपराध है, अगर पुलिस वाले ने ऐसा किया है पैसे की बरामदगी और उसको छुपा लिया तो ये कि जो फोर्स के नाम पर एक नया एक से शाखा आपने खोल दी और उसका उसका कार्य व्यवहार दिखाई पड़ रहा है आपराधिक अपने आप में होता जा रहा है, ये आपको नहीं लगता है कि आप पुलिसिंग के बजाय अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही बनते जा रहे हैं? देखिए, बहुत अंतर्ज्ञान तो मुझे अंदरूनी बातों का उतना नहीं है जो बाहर रहने के कारण से, लेकिन अगर ऐसा जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो उसे उच्चाधिकारी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके दौर में क्या इस तरह की घटनाएं होती थी? एनकाउंटर तो हुए थे लेकिन संख्या में आजकल कुछ ज़्यादा है, उससे ऐसा लगता है जो फिर प्रेस में पढ़ता हूँ। एनकाउंटर उस वक्त भी होते थे लेकिन तुलनात्मक संख्या में ज़्यादा है। हालांकि इस पर आपको टिप्पणी नहीं करेंगे और मेरा भी उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन एक आरोप तो लग ही रहा है कि जाति काम आधार पर सरकार और पुलिस काम कर रही है। मैं इसलिए नहीं इस बात को मानता हूँ कि जो लोग मारे गए हैं
ऐसे उस पर ये किसी ने नहीं कहा कि ये बदमाश नहीं था जी, मतलब जाति की बात तो की, लेकिन ये अगर अगर वो जो जो ऐसा आरोप लगाता है वो ये कहता कि ये बदमाश नहीं था, तब तो मैं ये बात मान जाता कि जाति आधार पर है, अन्यथा मैं इसको मानने तैयार नहीं हूँ। सबसे पहले एनकाउंटर तो विकास दुबे के यहाँ से शुरू हुए थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और विकास दुबे के कई लोग मारे गए थे, तो पहले ब्राह्मण मारा गया, फिर आज सुना है कि एक ठाकुर मारा गया है आज ही के दिन, बीच में एक यादव मारा गया था। तो ऐसा तो नहीं है, मेरा जाति आधार पर नहीं, जो लोग हैं वो बदमाश हैं। त्रिवेदी जी, आपको अधिकार किसने दे दिया कि पुलिसिंग छोड़ करके आप सजा करना शुरू कर देंगे? नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल पुलिस को करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। अब वहाँ हर घटना जो कि रिपोर्ट हो रही है प्रेस में, उस आवश्यकता थी या नहीं, ये मुझे मैं नहीं कह सकता कि उस आवश्यकता थी या नहीं, ये तो जांच की आवश्यकता है। लेकिन ये जो जो तरीका हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस में एक अजीब से लहजा पैदा हो जाएगा, क्रूरता बर्बरता के भूमि में आ जाएगी पुलिस अगर जानबूझकर उस नियम का, जिसको मिनिमम फोर्स के इस्तेमाल का जो नियम है उसको अगर अतिक्रमण उसका हो रहा है तो गलत है। लेकिन इसको तय कौन करेगा? जिसने आपने कहा अगर हो रहा है, तो अगर और मगर में कैसे तय होगा? ये तो जांच से ही हो सकता है, मतलब अब चाहे पुलिस के उच्च अधिकारी जाँच करें या बाहर के लोग जाँच करें। तो ये है महेश चंद्वेदी जी, बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने बताया है, लेकिन ये भी स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनके दौर में आज से 21 साल पहले और आज जो एनकाउंटर का लेकर के तांडव चल रहा है उसमें संख्या उस समय बहुत कम हुआ करती थी, अचानक कैसे बढ़ गई ये बाद में हम लोग फिर बातचीत करेंगे। तो अगली बार फिर दूसरे बस्ते पर किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुरुस्ती के लिए कुमार से इजाजत दीजिए।